देखो आपको ये क्वेश्चन गिवन है, ये आपका कौन सा गेट है, ये आपका और गेट है, ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, ये ए है, तो यहाँ से एक लाइन ए यहाँ से भी आ रही है और ये बी है, यहाँ से ये ए और बी है, तो मल्टीप्लाई करके एंड गेट क्या करेगा, ए इंटू बी, ए इंटू बी ये इसकी इनपुट बनेगी, ए इंटू बी, और ये और गेट है तो ये क्या करेगा, दोनों को ऐड कर देगा, तो आंसर क्या होगा, ए प्लस ए इंटू बी, तो इसका फाइनल आंसर है। वो कह रहा है इसका ट्रुथ टेबल भी बनाना है, तो बना दो ट्रुथ टेबल, तो यहाँ से शुरू करो ए और बी, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये करने के बाद ए इंटू बी लो, क्योंकि आपको फॉर्मूले में ए इंटू बी चाहिए, तो 0 0 0 और 1, और लास्ट में ए प्लस ए इंटू बी, तो आप इसे और इसे ऐड कर दें, तो 0 + 0 = 0, 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1, और 1 + 1 = 1, तो इसका आंसर आएगा। ठीक है आंसर, तो इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो कह रहा है कि इस डायग्राम में आप ये बताएं कि कौन सा गेट, ये जो बॉक्स नंबर 1 है, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, तो कौन सा गेट की तरह बॉक्स नंबर 2 काम कर रहा है, बॉक्स नंबर 3 कौन सा गेट है। लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ध्यान से सीख लें, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास कोई भी सपोज नैंड गेट है, जैसे ये आपका नैंड गेट है, नैंड गेट कैसा है, ये रहा आपके पास नैंड गेट, नैंड गेट क्या होता है, ये ए है ये बी है, नैंड गेट दो इनपुट्स को मल्टीप्लाई करेगा और होल बार लगा देता है, ये नैंड गेट है। पर एक रूल है कि अगर आप नैंड गेट की दो इनपुट्स तो ज़रूरी है ही हैं, पर इनपुट सेम रख दें, मतलब इन्हें कनेक्ट कर दें और एक वायर से कनेक्ट करें, एक वायर का मतलब कि अगर ये पीछे से ए है तो ऊपर भी ए और नीचे भी ए है, अब इनकी दोनों इनपुट्स अलग अलग नहीं हो सकती, पहले अलग अलग थी ए और बी, अब इसमें क्या है, या तो ए और ए है या बी और बी है। ठीक है यहाँ तक, तो आपने ज्वाइन कर दिया दोनों इनपुट्स को, तो आपका फाइनल आंसर आएगा ए इंटू ए का बार, तो ए इंटू ए का बार, तो जब आप ए इंटू ए के बार को कैलकुलेट करोगे, ए का मतलब या तो 0 या 1 और तो कुछ है नहीं, ए इंटू ए का मतलब क्या होता है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, तो ए इंटू ए का बार का मतलब है 1 एंड 0, तो यानी कि 0 1 में कन्वर्ट हो गया और 1 0 में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब दिस गेट इज एक्टिंग लाइक नॉट गेट। तो है ये बेसिकली कौन सा गेट, नैंड गेट, पर ये एक्ट कैसे कर रहा है, लाइक नॉट गेट, ये नॉट गेट नहीं है, है ये नैंड, पर काम किसकी तरह कर रहा है, नॉट गेट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो रूल याद रहेगा, तो आज के बाद अगर आपने ऐसा गेट देख लिया तो समझ लेना अपने मन में वो नॉट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आपके पास सपोज करो एक नॉर गेट है, नॉर गेट कैसा होता है, ऐसा होता है जिसकी दो इनपुट्स होती हैं ए एंड बी, तो ये क्या करता है, ए और बी को ऐड करता है और बार लगाता है, तो अब इसमें क्या किया, इसमें अगर वो ए की इनपुट कर देगा ए, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ए प्लस ए का बार, तो ए का मतलब क्या होता है, 0 एंड 1, ए प्लस ए का मतलब क्या है, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 1, और ए प्लस ए का बार का मतलब 1 एंड 0, तो देखो फिर से 0 1 1 0, तो फिर से ये नॉर, नॉर कैसे एक्ट कर रहा है, लाइक नॉट। तो आज के बाद अगर कोई भी नैंड या नॉट है जिसकी सिंगल इनपुट है, वो दो में डिवाइड हो रही है, ए और ए, बी या बी, तो वो गेट कैसे एक्ट करेगा, लाइक नॉट गेट, याद रहेगा। तो फिर अब क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन ये है, वो कह रहा है ब्लॉक नंबर 1 में जो गेट दिखाई दे रहा है ये कौन सा गेट है, ये नैंड है लेकिन एक्टिंग लाइक नॉट है, एक आंसर। फिर कह रहा है ब्लॉक नंबर 2 में जो गेट्स हैं इसका ये पूरा कॉम्बिनेशन कैसे काम करेगा, तो एक काम करो इसको पहले आप अलग से बना लो, इसको अलग बना लिया, ये नॉट गेट है, इसको अलग बना लो, इसको जब आपने अलग बनाया तो आप एक काम करें, इसमें ये ए है तो ये ए बार होगा, ये बी है तो ये बी बार होगा, तो ये नैंड गेट है, ये क्या करेगा, ये ए बार इंटू बी बार का बार लगा देगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके बार लगाएगा, तो मुझे ये पता है कि अगर ये होल बार है तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, ए बार का बार प्लस बी बार का बार मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और बार बार कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी कि कौन सा गेट है, और गेट है। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ये और गेट है, तो पूरा बॉक्स विल एक्ट लाइक और गेट। अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर ये इस तरीके से कैसे हो गया, आपको ऐसे करना चाहिए था कि अगर ये ए है तो ये यहां से क्या देगा, ए बार, तो इसकी इनपुट क्या होनी चाहिए थी, ए बार, पर आपने क्या ली, ए, तो गलत हो गया, नहीं गलत नहीं हुआ,
आपका जो फाइनल आंसर है, जैसे अभी मैंने ये सॉल्व किया था, आप चाहे यहाँ ए लगाओ चाहे ए बार लगाओ, यहाँ पर तो प्लस ही आएगा ना। चलो मान लेते हैं कि अगर आपने यहाँ ए बार लगाना है तो ये ए हो जाएगा, तो फाइनल आंसर में ए बार हो जाएगा, लेकिन प्लस तो प्लस ही रहेगा ना। तो आपको तो ये बताना है कि गेट क्या है, आपको फॉर्मूला थोड़ा बताना है ए और बी का। तो इसमें प्लस आ रहा है तो दिस होल कॉम्बिनेशन विल एक्ट लाइक और गेट, तो ये पूरा पूरा कॉम्बिनेशन और गेट है, इरिस्पेक्टिव कि पीछे से ए ऐड हो रहा है या ए बार ऐड हो रहा है। क्या पॉइंट क्लियर है? तो इसलिए बेटर है कि आप ए और बी ले लिया करो। फिर आखिरी तीसरा बॉक्स है, तीसरे बॉक्स का गेट कैसे एक्ट कर रहा है वो पूछ रहा है। जैसे ये ए है ये बी है, नैंड गेट है, नैंड गेट क्या करेगा, ए इंटू बी का बार। ये नैंड, ये कुछ नहीं ज़्यादा लंबा कर रखा है, ये नैंड है एक्टिंग लाइक नॉट, तो ये क्या करेगा, ए इंटू बी का बार आंसर क्या आएगा, ए इंटू बी। ए इंटू बी कौन सा गेट है, एंड गेट है। तो ये फाइनल कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा कैसे एक्ट करेगा, लाइक एंड गेट। ये तो फालतू कैलकुलेशन ज़्यादा कर रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि एंड गेट क्यों काम कर रहा है? तो कैसे पहचानना है कौन सा गेट है, समझ में आ रहा है? तो इसके ऊपर जैसे क्वेश्चन है कि वाई नैंड एंड नॉर गेट्स कॉल्ड डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। नैंड और नॉर बहुत इंपॉर्टेंट डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, क्योंकि इन गेट से फंडामेंटल गेट्स को डराइव किया जा सकता है। नैंड और नॉर को आप और की तरह भी काम कर सकते हो, एंड की तरह भी, नॉट की तरह भी, और दुनिया के और गेट्स भी बना सकते हो, इसलिए ये डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो इसको मॉडिफाई कर करके हम किसी भी गेट का आउटपुट इसमें से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो गेट है, डिस्कस हाउ नॉट गेट इज रियलाइज्ड। रियलाइज का मतलब कैसे बन सकता है, कैसे एक्ट कर सकता है। नॉट गेट कैसे बनेगा, बाय यूजिंग नैंड गेट, हमने कर लिया। नैंड गेट से नॉट कैसे बनाते हैं, सिंगल इनपुट करके, तो नैंड इज एक्टिंग लाइक नॉट। तो उसी तरीके से नेक्स्ट है कि डिस्कस हाउ एंड गेट इज रियलाइज यूजिंग नैंड गेट। तो एंड बनाना है, ये भी कर लिया। कैसे, जैसे ये नैंड गेट है, ये क्या करेगा, ए इंटू बी का बार, और ये नैंड गेट एक्टिंग लाइन नॉट है, तो ए इंटू बी का बार विच विल गिव ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब एंड गेट है, तो फाइनल आउटपुट एंड गेट है। उसी तरीके से डिस्कस और गेट यूजिंग नैंड गेट। तो और गेट कैसे बनेगा, जैसे ये ए है, ए का बी ए बार, बी है तो बी का बी बार, नैंड गेट है तो ए बार इंटू बी बार का बार, तो ए बार का बार प्लस बी बार का बार, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, ए प्लस बी, यानी कि कौन सा गेट है, और गेट है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से आप ए और बी पुट कर करके देखेंगे इसका फाइनल आउटपुट किस गेट की तरह मैच कर रहा है। जैसे डिस्कस हाउ और गेट इज रियलाइज यूजिंग नॉर गेट। और गेट कैसे, तो ये सारे अब गेट्स नॉर होने चाहिए। ये ए है, ये बी है, तो ये क्या देगा, ए प्लस बी का बार, और ये नॉर एक्टिंग लाइक नॉट है, तो ए प्लस बी का बार विच विल गिव ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब कौन सा गेट है, और गेट है। सही है? जैसे नेक्स्ट है, हाउ एंड गेट बनेगा नॉर गेट से। तो नॉर से एंड कैसे बनेगा, जैसे ये ए है तो ये क्या निकलेगा, ए का बार, ये बी है तो क्या निकलेगा, बी का बार, तो ये नॉर गेट है ए का बार प्लस बी का बार, तो ए का बार इंटू बी का बार, तो क्या आएगा, ए इंटू बी। ए इंटू बी कौन सा गेट है, एंड गेट। ठीक है यहाँ तक? तो ये फाइनली एंड गेट। तो पता कैसे लग रहा है, फॉर्मूला बना बना के पता लग रहा है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है आउटपुट ऑफ टू नैंड गेट्स। तो चलो ठीक है, दो नैंड गेट बनाते हैं, ये पहला नैंड गेट है और ये दूसरा नैंड गेट है। तो आउटपुट ऑफ दीज टू नैंड गेट्स आर फेड एज एन इनपुट टू एंड गेट। तो ये टू और गेट, सॉरी, तो इसकी जो आउटपुट है वो किस में देनी है, और गेट में देनी है। तो फाइनल, वो कह रहा है कि फाइनल गेट जो बनेगा तो वो कैसे एक्ट करेगा, नेम द न्यू लॉजिक गेट। चलो न्यू बाद में करते हैं, ये ए है और जैसे ये इसकी दो इनपुट्स हैं, ये बी है, तो एक काम करते हैं, ये ए है तो इसकी एक वायर इसमें एंटर करवाओ, ये ए है, ये बी है, एक वायर इसमें एंटर करवाओ, तो ये बी है। तो इसको इनपुट क्या मिलेगी, ए बी, इसको भी क्या मिलेगी, ए बी, दोनों को तो ए बी मिलेगी। तो ये ए बी है तो ये क्या देगा, ए इंटू बी का बार, ये भी क्या देगा, ए इंटू बी का बार। ये क्या है, और गेट। और गेट क्या करेगा, ए इंटू बी का बार प्लस ए इंटू बी का बार, विच इज फाइनली अगेन इक्वल टू ए इंटू बी का बार। वो क्यों,
ए इंटू बी के बार में ए इंटू बी का बार ऐड करोगे, आंसर ए इंटू बी का बार ही आएगा। वो क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर को अगर आप किसी भी नंबर में, बाइनरी नंबर में ऐड करेंगे, आंसर तो वही आएगा। वन को वन में ऐड करेंगे तो वन, जीरो को जीरो में ऐड करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा। तो इसीलिए ए प्लस बी का बार जो भी नंबर होगा, ये भी वही नंबर होगा, तो आंसर तो वही आएगा जो कोई भी एक नंबर है। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो टू लगाने का कोई फायदा नहीं है, वैसे बाइनरी सिस्टम में टू काम ही नहीं करता। तो यही आंसर है। और ये गेट किसका फॉर्मूला होता है? नैंड गेट। तो ए इंटू बी का बार इज नैंड गेट, तो फाइनल आउटपुट इज नैंड गेट। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? नेक्स्ट नेक्स्ट इसके अंदर ये क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ट्रुथ टेबल, इसको आपको बनाना है, इसका फॉर्मूला फाइनल क्या बनेगा। ये एक नैंड गेट है, तो आंसर क्या आएगा? ए इंटू बी का बार। इधर से ये ए आ रहा है ऊपर से, है ना, इसकी एक इनपुट ए है, और एक इनपुट इसकी क्या बनेगी? ए इंटू बी का बार। ऐसे ही इधर से क्या आ रहा है? बी आ रहा है, और एक क्या बनेगा? ए इंटू बी का बार। तो यहां से ये ए है, ये ए इंटू बी का बार है, इन्हें, ये नैंड गेट है, इन्हें मल्टीप्लाई करके होल बार। ऐसी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके होल बार, फिर ये नैंड गेट है, नैंड गेट फिर क्या करेगा? इसे और इसे मल्टीप्लाई करके होल बार। तो देखो इसे इसे मल्टीप्लाई करके होल बार, इस होल बार को ब्रेक कर लो, इसके ऊपर मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बार का बार कैंसिल, तो फाइनल आंसर। तो दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन जो यहां से आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे पहले धीरे धीरे करके गेट में से आउटपुट निकालते जाओ और फिर अपने आप ही फॉर्मूलाज बनते जाएंगे। ठीक, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट जो है इसमें ये टाइमिंग डायग्राम वाले क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखो, आ जाते हैं ये। एक मैं करके दिखाऊंगा, एक फिर आप ट्राई करना। क्वेश्चन है, जैसे आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसे गिवन होगा, ये देखो आपको एक ऐसा डिजिटल सिग्नल गिवन होगा, ये ए सिग्नल है, ये ए सिग्नल है। ऐसे ही आपको बी सिग्नल भी ऐसा ही गिवन होगा, ये लो। वो कहेगा ये ए सिग्नल है, ये बी डिजिटल सिग्नल है, इन दोनों सिग्नल्स को हमने एंड गेट में एंटर करवा दिया, तो फाइनल जो आंसर होगा वो भी इस सिग्नल की फॉर्म में बताओ कैसा होगा। 0110 कुछ नहीं दे रहा आपको, कह रहा है कि ये ए और बी इनपुट सिग्नल्स हैं, आउटपुट कैसा दिखेगा ये बताओ। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इसमें क्या करें, ये वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, जैसे ये, इन वर्टिकल लाइंस को एक्सटेंड करें ऐसे, इसको डॉटेड लाइन बना लें चाहे, मैं डॉटेड नहीं बना पा रहा हूँ, तो सीधा एक पूरी लाइन बनाएं नीचे तक, फिर दूसरी वर्टिकल लाइन ये रही, इसे एक्सटेंड करें ऐसे, तीसरी वर्टिकल लाइन ये रही, इसे एक्सटेंड करें ऐसे, नेक्स्ट वर्टिकल लाइन ये रही, इसे एक्सटेंड करें ऐसे, नेक्स्ट वर्टिकल लाइन ये रही, इसे एक्सटेंड करें ऐसे, नेक्स्ट वर्टिकल लाइन ये रही, इसे एक्सटेंड करें ऐसे, ये देखो ये रही, फिर नेक्स्ट को एक्सटेंड करो नीचे ऐसे, फिर नेक्स्ट को एक्सटेंड, जितनी आपको वर्टिकल लाइन है सब ड्रॉ कर दो कुछ इस तरीके से। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? बना दी लाइंस। बेसिकली लाइंस ड्रॉ करने का मतलब टाइमिंग ड्रॉ करना, टाइमिंग का मतलब इस टाइम इंटरवल में ए की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू भी जीरो है, अगले इस टाइम इंटरवल में ए की वैल्यू वन है और बी जीरो है, जो नीचे है वो जीरो ऊपर वन, इस टाइम इंटरवल में ये वन है, ये वन है, ये वन है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये वन है, ये जीरो है, ये वन है, ये वन है, ये जीरो है, ये वन है, और ये जीरो है, और ये जीरो है। क्लियर है यहां तक? तो जितने ए के 10 निकलेंगे उतने ही बी के भी 10 निकलेंगे, काउंट कर लो क्योंकि इंटरवल कॉमन है सबका। बना लिया यहां तक? फिर आपने क्या करना है, साइड पे बना ले चाहे ए एंड बी। तो ए की इनपुट्स क्या है? 0 1 1 1, 0 1 1 0 एंड 0, और बी की क्या है? 0 0 1, 0 0 0 1 1 एंड 0। तो ये एंड गेट है, एंड गेट क्या करेगा? ए इंटू बी, इन्हें मल्टीप्लाई करो, 0 0 1 0
0, 0, 1, 0 एंड 0। अब इसे प्लॉट कर दो, 0, 0, देखो जब a 0 है, b 0 है, तो आउटपुट भी 0 है, ये रहा आउटपुट 0 है। फिर उसके बाद आउटपुट क्या है, फिर से 0 है, फिर आउटपुट क्या है यहाँ पर 1 है, फिर आउटपुट क्या है, तीन बार 0 है, तो 0, 0 और 0, फिर एक बार 1 है और फिर दो बार 0 है, 0, 0, दिस इज द आंसर, ये आंसर बनेगा, ठीक है। तो आपने ये लाइंस खींचने जरूरी है, बिना लाइंस के आंसर नहीं आएगा आपका कभी भी। तो लाइन से इंटरवल पता लगेंगे, ये टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, और इवन है वो टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं, अपने मन में कैलकुलेट कर लेना, 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 0 इज अगेन 0, तो 1 इंटू 1 इज 1, ऐसे यहीं से हो जाएगा सारा सॉल्व। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप करो ट्राई, ठीक है, ये लो ये क्वेश्चन ट्राई करो। ये आपका सपोज पहला सिग्नल है ए, ये ए और ये बी, तो एक ए ये बी, और आपका जो गेट है सपोज वो कौन सा गेट है, नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है, ए इंटू बी का बार, तो इसका फाइनल सिग्नल बनाओ क्या बनेगा। लाइंस ड्रॉ करें, ठीक है, तो जैसे एक लाइन ये ड्रॉ कर दें, दूसरी लाइन ये ड्रॉ कर दें, तीसरी लाइन ये ड्रॉ कर दें, चौथी ये ड्रॉ कर दें, फिफ्थ ये ड्रॉ कर दें, और लास्ट ये ड्रॉ कर दें, ये लें, ठीक है। अब एक काम करें, इसके अंदर आप ये देखें कि ये ज़ीरो है, ये वन, ये वन, ये ज़ीरो, ये वन वन और ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो, वन वन वन, ज़ीरो एंड ज़ीरो। मन में कैलकुलेट करें, ए इंटू बी, तो ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो, तो मैं ए इंटू बी का बार बना रहा हूँ, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो का बार इज़ वन, तो आंसर वन से स्टार्ट होगा, तो वन इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो का बार इज़ वन, वन इंटू वन इज़ वन, वन का बार इज़ ज़ीरो, नीचे चला जाएगा, ज़ीरो इंटू वन इज़ ज़ीरो, ज़ीरो का बार इज़ वन, वन इंटू वन वन, वन का बार इज ज़ीरो, ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो, ज़ीरो का बार इज वन, और ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो का बार इज वन, आंसर। तो एक मिनट में आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें आपको ऐसे दो सिग्नल के बनाओगे, और तीसरा कैसे बनाना है समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ओके, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ये बहुत आता है नीट और मेंस में, ये भी बहुत है, नीट में तो बहुत ही आता है, मेंस में भी आता है, बड़ी बात नहीं है। आपको कुछ ऐसा डायग्राम देगा और वो ये पूछेगा कि बताओ इसमें से बाइसिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये है आपका एन और ये है पी। अब n किसके साथ कनेक्टेड है,
प्लस 5 वोल्ट के साथ, और पी किसके साथ कनेक्टेड है, प्लस 7 वोल्ट के साथ। अब मैं बाईसिंग डिसाइड नहीं कर पा रहा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो तभी कर पाऊंगा। तो एक काम करना है, इसमें आपने ये देखना है कि पी वाला या प्लस 7 प्लस 5 से कितना बड़ा है, बाय 2 वोल्ट बड़ा है, प्लस 2 वोल्ट बड़ा है। तो प्लस 2 वोल्ट बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा, जीरो, है ना, बैलेंस कर दिया तो जीरो। जीरो का मतलब होता है अर्थ, न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब 0 वोल्ट। न्यूट्रल का मतलब है कि इट कैन एक्ट लाइक नेगेटिव, इट कैन एक्ट लाइक पॉजिटिव। तो इसको देखना बंद कर दो क्योंकि ये तो कैसे भी एडजस्ट कर लेगा। अब पी इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, इसको देखना है, अब आपने इसको नहीं देखना क्योंकि ये तो अपने आप एडजस्टमेंट कर ही लेगा। तो पी विद पॉजिटिव, तो कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग है। क्योंकि अगर पी विद पॉजिटिव एन विद नेगेटिव एज्यूम किया जा सकता है क्योंकि 0 वोल्ट अर्थ है, अर्थ कैन बी कैन एक्ट लाइक नेगेटिव वोल्ट ऑल्सो। तो इसलिए इसको नहीं देखना, ग्राउंड को नहीं देखना होता, सिर्फ पी को देखना है, पी विद पॉजिटिव यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग। जैसे फिर से देखो, फिर एक क्वेश्चन आ गया, इस बार क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये पी है, पी तो इटसेल्फ ग्राउंड के साथ ही कनेक्टेड है तो सीधा ही 0 वोल्ट पे है, इसको देखना बंद कर देंगे। एन कनेक्टेड विद प्लस 2 वोल्ट, अब एन विद पॉजिटिव तो कौन सी बायसिंग है, 0 को तो देखना ही नहीं आपने, तो रिवर्स बायसिंग सीधा, ठीक हो गया। फिर देखो एक बार, सपोज करो आपको ये गिवन है एन और ये गिवन है आपके पास पी, तो एन किसके साथ कनेक्टेड है, माइनस 12 वोल्ट, और पी किसके साथ कनेक्टेड है, माइनस 5 वोल्ट। तो एन माइनस 7 वोल्ट बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, 0, इसको देखना बंद करें। एन विद नेगेटिव तो कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी। तो एक को 0 कर देना है आपने, फिर कौन कितना बड़ा है वहीं से आइडिया हो जाएगा फॉरवर्ड या रिवर्स बायसिंग। जैसे सपोज आपके पास एक पी है, अब ये पी है, पी किसके साथ कनेक्टेड है, माइनस 10, और एन किसके साथ कनेक्टेड है, 0, इसको नहीं देखना। पी विद नेगेटिव कौन सी बायसिंग है, रिवर्स, आएगा पेपर में, ये आ जाता है पेपर में, बढ़िया। सर एक बार फर्स्ट वाला समझा दो। फर्स्ट वाला देखो, ये आपके पास एन है, ये आपके पास पी है, पी किसके साथ कनेक्टेड है, प्लस 7, एन किसके साथ कनेक्टेड है, प्लस 5, ठीक। तो पी प्लस 2 वोल्ट बड़ा है, अगर माइनस करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, डिफरेंस पहले भी 0 अब भी 0 है। तो पी जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायसिंग है, 0 को देखना ही नहीं। वैसे लॉजिक बता देता हूँ क्या है, लॉजिक ये है, हम ये 0 क्यों करते हैं, हम ना इन्हें जोड़ते हैं 7 और 5 को, टर्मिनल्स बनाते हैं, बैटरी बनाने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी का एक टर्मिनल नेगेटिव वाला 0 पे रखते हैं, मतलब एक टर्मिनल 0 रखते हैं और एक प्लस 2 पे रखेंगे, मतलब इंस्टेड कि हम एक को 7 पे रखें, एक पे 5 पे रखें, पोटेंशियल डिफरेंस पहले भी 2 है, पोटेंशियल डिफरेंस अब भी 2 है, पर इसमें फैसला करना आसान है क्योंकि अगर 0 है तो वो कोई भी पोटेंशियल की तरह काम कर सकता है, तो इसमें डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि पी विद पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड बायसिंग है, क्लियर है। तो ऐसे चेक करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, वैसे तो ये भी एक क्वेश्चन है, इसमें आता नहीं है, एक्सेप्शन क्वेश्चन है। अगर आपके ये सर्कल ना यहाँ लगे हों, यहाँ नहीं यहाँ लगे हों, तो ये नॉट की तरह काम करता है, सर्कल यहाँ लगे होने चाहिए, यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ कोई चक्कर नहीं, यहाँ अगर लगे हुए हैं तो ये ए की एंट्री नहीं हो रही, इसमें ए बार हो रहा है, इसमें बी बार हो रहा है, और गेट है, ए बार प्लस बी बार आंसर है। अब जैसे ये गेट है, ये गेट में प्रॉब्लम ये है कि 3 इनपुट्स हैं, ए बी सी, 3 इनपुट्स हैं, अब 3 इनपुट्स हैं और एंड गेट है, तो इसमें ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, ए बी सी और वाई, वाई क्या होगा, ए इंटू बी इंटू सी। ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका, इसमें ए 0 है 1 वैल्यू, बी 0 है 1, सी 0 है 1, तो 8 वैल्यूज आएंगी कुल मिला के। तो लिखना कैसे है, 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर से एक बार 0 0 0 1 1 0 1 1, तो एक बार एक ही जगह 0 0 0 0 1 1 1 1, 8 कॉम्बिनेशन हो गए पूरे, कोई भी मिस नहीं हुआ इसमें। तो मल्टीप्लाई कर दो, 0 into 0 into 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और आखिरी में 1 into 1 into 1 is 1, तो इसका ट्रुथ टेबल बन गया। तो वैल्यूज कैसे लिखी समझ में आ रहे हैं, तो पैटर्न 2 बार रिपीट करके 0 0 0 0 1 1 1 1 पैटर्न रिपीट हो गया, ठीक। नेक्स्ट है, जैसे ये रहा, इसके अंदर जैसे ये ए है, तो इनपुट क्या है, ए,
ये ए है लेकिन नॉट गेट है, तो ये क्या देगा, ए बार। तो ये एंड गेट है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ए इंटू ए का बार इज द आंसर। तो ए इंटू ए का बार इज द आंसर, क्योंकि एंड गेट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट है ये रहा, ए ए बार नॉट गेट है, बी बी बार, सी सी बार, और एंड गेट है, तो ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार इज द फॉर्मूला। ठीक, ये हमने कर लिया, बाकी हमने कर लिया।